क्या आपको भी लगता है कि माँ बनने की खुशी सिर्फ महिलाएं ही महसूस कर सकती हैं? पर ऐसा है नहीं। फैशन ब्रांड कैल्विन क्लेन के नए एडवर्टीजमेंट ने इस बात को बदल कर रख दिया। मशहूर फैशन ब्रांड कैल्विन क्लेन ने मदर्स डे पर एक अनोखा कैंपेन शुरू किया। मातृत्व के सारे रूपों को सपोर्ट करते हुए ब्रांड ने एक ट्रांस मैन रॉबर्टो बेते और उनकी पार्टनर एरिका फर्नांडिस के साथ एक एडवर्टीजमेंट बनाया, जिसमें रॉबर्टो को प्रेग्नेंट दिखाया गया। मातृत्व को सराहने वाला ये एडवर्टीजमेंट रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोग कैल्विन क्लेन के आइडिया की सराहना कर रहे हैं तो कुछ इस ब्रांड को जमकर ट्रोल और बॉयकॉट कर रहे हैं। वहीं एडवर्टीजमेंट रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही रॉबर्टो ने अपने और एरिका के बेटे नोआह को जन्म दिया। मेल प्रेगनेंसी को समझने के लिए पहले आम प्रेगनेंसी को समझते हैं। महिलाओं के शरीर में ओवरी से रिलीज होने वाले कुछ एग्स हर महीने मैच्योर होते हैं। इन्हीं में से एक मैच्योर एग ओवरी से निकलकर यूट्रस में जाता है। यहाँ स्पर्म से मिलकर ये एग फर्टिलाइज होता है। इसके बाद वापस यूट्रस में जाकर एक बॉल के रूप में यूट्रस की लाइनिंग से जुड़ जाता है। इसी से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? जवाब है हाँ। कोई भी इंसान जिसके पास यूट्रस और ओवरी है वो प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन पुरुष बिना ट्रांसप्लांट के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। हालांकि ट्रांसजेंडर पुरुष ट्रांसप्लांट के बिना भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर यानी वो लोग जो जिस जेंडर में पैदा होते हैं वैसा महसूस नहीं करते, ऐसे में वे कई बार अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। अमेरिका के ट्रांसजेंडर थॉमस बीटी 2007 में प्रेग्नेंट होने वाले दुनिया के पहले पुरुष बने। थॉमस द प्रेग्नेंट मैन के नाम से मशहूर हैं। वहीं ब्रिटेन में 2017 में पहली बार पुरुष हेडन क्रॉस ने अपना जेंडर चेंज करवा के एक बच्चे को जन्म दिया था। मेल से फीमेल जेंडर में कन्वर्ट होने वाले लोग यूट्रीन ट्रांसप्लांट के जरिए प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इस सर्जरी में एक स्वस्थ व्यक्ति के यूट्रस को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है। यूं तो इस सर्जरी पर अभी रिसर्च जारी ही है, लेकिन स्वीडन में 2014 में इस सर्जरी के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया गया था। वहीं 2018 में पुणे में भी यूट्रीन ट्रांसप्लांट के जरिए एक बच्चा पैदा हुआ। अगर मेल से फीमेल जेंडर में कन्वर्ट होने वाला कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट होना चाहता है तो उसे कई हार्मोन्स लेने पड़ते हैं। इसके लिए कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करवानी पड़ती है। प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस दौरान बेहद सतर्क रहने की जरूरत होती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।